हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार, मैं हूं सचिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल उत्तराखंड ब्यूटी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है और आप लोग न्यूज़ वगैरह में भी देख रहे हो कि चारों धामों में रजिस्ट्रेशन की लिमिटेशन लगाने के बावजूद ओवर कैपेसिटी में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यात्रियों की गलती है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि प्रशासन की गलती है। बट अगर आप एक्चुअल में डीप एनालिसिस करते हो तो यहाँ पर प्रशासन की ही गलती निकल कर आती है। एनीवेज दोस्तों, श्रद्धालुओं की इस भीड़ भाड़ और बढ़ते क्राउड को देखते हुए गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में चारधाम यात्रा में कुछ न्यू अपडेट कर दिए हैं और जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप यात्रा पर आने वाले हो। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। बात करें पहले अपडेट की तो ये है कि यमुनोत्री धाम में लगा दी गई है धारा 144। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने यमुनोत्री में उमड़ रही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये धारा 144 लागू की है। इस नई व्यवस्था के मुताबिक जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक 5 घंटे में दर्शन करके रिटर्न आना होगा। यमुनोत्री धाम में घोड़े खच्चर वालों की भी लिमिट और टाइम फिक्स कर दिया गया है, आप स्क्रीन पर रीड कर सकते हो। और साथ ही दर्शन करने के लिए पहुंचे यात्री यमुनोत्री धाम पर 60 मिनट यानी 1 घंटे के अंदर यमुनोत्री के दर्शन कराने का आदेश दिया गया है और इसमें मंदिर समिति की पूरी जिम्मेदारी रहने वाली है। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि धारा 144 क्या होती है, तो आप स्क्रीन पर एक बार जरूर रीड कर लें। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल आप चार धाम यात्रा को काफी गंभीरता से लें। अभी यात्रा को शुरू हुए केवल 17 दिन ही हुए हैं, आज है 26 मई और अभी तक करीब 56 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों की डेथ हो चुकी है और सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में डेथ केसेस सामने आ रहे हैं और इसमें 50 साल से ज्यादा के 40 तीर्थ यात्री शामिल है और इन डेथ्स का रीजन है हार्ट अटैक और पुलमोनरी एडिमा। और केवल केदारनाथ धाम में ही अभी तक 27 डेथ्स हो चुकी हैं। आप देखिए, केदारनाथ धाम में 27, बद्रीनाथ धाम में 14, यमुनोत्री धाम में 12 और गंगोत्री धाम में 3 तीर्थ यात्रियों की डेथ हो चुकी है। कुल मिलाकर अभी तक 56 तीर्थ यात्रियों की इस साल यात्रा में डेथ हो चुकी है। तो काफी गंभीरता से लें, सभी तरह के प्रिकॉशन अपने साथ आप कैरी करके लाएं। अगर आपको ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम है तो कैम्फर कपूर अपने साथ जरूर रखें या फिर ऑक्सीजन केन अपने साथ जरूर लाएं। और दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। देखिए, 50 साल से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य जांच कराना अनिवार्य है और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी है, ई स्वास्थ्य धाम ऐप। अब ये ऐप आपको कहाँ मिलेगी, तो जो चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ इस ऐप को रखा गया है। इस ऐप में 50 साल से ज़्यादा के तीर्थ यात्रियों को अपना जो मेडिकल डेटा है वो अपलोड करना होगा और साथ ही जगह जगह पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए गए हैं, वहाँ आप अपना मेडिकल चेकअप करवा सकते हो। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों आने वाले श्रद्धालुओं को खुश कर देगी, क्योंकि अब सभी श्रद्धालुओं को सीधे बाबा केदार के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन होने वाले हैं। जहां अभी तक श्रद्धालुओं को सभागृह से ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जा रहे थे, वहीं अब सभी श्रद्धालुओं को गर्भगृह में दर्शन के लिए भेजा जा रहा है और सभी श्रद्धालु लोग अच्छे से बाबा के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। ये व्यवस्था मंगलवार से ही शुरू की गई है, तो ये एक बड़ी खुशखबरी है आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों के लिए। अब आप बाबा केदार के ज्योतिर्लिंग के दर्शन केवल दूर से ही नहीं बल्कि उनको आप स्पर्श छू भी सकते हो। केदारनाथ मंदिर 24 आवर्स में से 20 आवर्स ओपन रहेगा भक्तों के लिए और इसी के साथ ही श्रद्धालुओं को विशेष पूजा का अवसर भी दिया जाएगा। केवल दोपहर के 3 से 5 बजे तक मंदिर बंद रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर, जो कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि बिना रजिस्ट्रेशन के अगर आप यात्रा करते हो
तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए स्क्रीन पर, हरिद्वार के एक बड़े ट्रैवल एजेंट फर्जी रजिस्ट्रेशन के चक्कर में फंस चुके हैं। इन्होंने 30 यात्रियों को फेक रजिस्ट्रेशन करके यात्रा पर भेज दिया था और स्कैनिंग के दौरान वो रजिस्ट्रेशन फेक निकले और ये ट्रैवल एजेंट पकड़े गए और साथ ही जो यात्रा पर यात्री आए हुए थे उन बेचारों की यात्रा भी डिले हो गई। सो दोस्तों, आप भी बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा ना करें, अदरवाइज बहुत सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। और साथ ही आपकी यात्रा शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर डेट आगे पीछे होती है तो वो रजिस्ट्रेशन भी वैलिड नहीं माना जाएगा और आपको यात्रा पर जाने से रोक दिया जाएगा। और एक बात आप लोग और याद रखें कि जो लोग ये सोचकर बैठे हैं कि 31 मई के बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे हरिद्वार या ऋषिकेश में तो हम अपनी यात्रा कर पाएंगे, तो ये दोस्तों बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। अगर भीड़ भाड़ कंट्रोल नहीं होती है, ये क्राउड कम नहीं होता है, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज यानी बंद ही रखे जाएंगे। इनकेस ही भीड़ भाड़ कम हो जाती है तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए जाएंगे, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद ही रखे जाएं। तो आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के भरोसे ना बैठें। ये यात्रा पूरा 6 महीने चलती है जिसमें से 2 मंथ जुलाई और अगस्त ऑफ सीजन होते हैं, बट सितंबर या अक्टूबर में आप अपनी यात्रा को शिफ्ट कर सकते हैं, वहां आपको क्राउड भी कम देखने के लिए मिलेगा। सो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो आप लाइक जरूर करना और शेयर करना उनको जो यात्रा पर आ रहे हैं। और ऐसे ही हेल्पफुल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको जल्दी किसी न्यू वीडियो या व्लॉग में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। हर हर महादेव। जय श्री केदार।